कल शाम 5 बजे धारावी केला बकार एमजी रोड पर हुए एक जानलेवा हमले, जो कि एक कपड़ा के होलसेल व्यापारी इमरान शेख के लड़के ओवेश शेख पर हुए जानलेवा हमले के वजह से आज हमें इस कमला एमजी रोड पर आना पड़ा है। और हम प्रत्यक्षदर्शियों के साथ साथ जिनके ऊपर हमला हुआ है, आज हम उनसे ही बात करेंगे कि इस हमले के कारण क्या है, इसकी वजह क्या है। आवेश जी, इस कल जो आप पे हमला हुआ है, इस हमले का कारण क्या है और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, हमारा कारोबार है बहुत ज़्यादा फैला हुआ और उससे है बहुत लोग जलते हैं। उस कोई वजह नहीं है, सिर्फ यही एक वजह है, कारोबार से बहुत ज़्यादा जलते हैं। उन लोगों का यही एक कारण है, कोई भी मकसद से उनको हैरेसमेंट किया जाए, टॉर्चर किया जाए या कुछ ना कुछ आपत्ति कुछ ऐसा करे कि हम पे वापिस कुछ करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन क्या अक्सर ऐसा होता है? 2-3, 15-20 दिन पहले भी उसने कुछ बीच में रोका भी, हैरेसमेंट किया बहुत वगैरह वगैरह बात कर रहा था, फालतू बातें कर रहा था वो। अच्छा, जब ये लड़ाई हुई तो जो मारने वाला था उसके हाथ में किस तरह के हथियार थे? स्क्रू ड्राइवर था और बाजू में फिर वो बाद में वो उसने चॉपर लेके आया, चॉपर से हमला करने की कोशिश किया। अब मैं अकेला वहाँ पे मौजूद था, सब खड़े रह के खाली देख रहे थे। तो इसी के साथ साथ आप धारावी पुलिस स्टेशन में खुद गए थे कि आपने पुलिस को कॉल किया था? हम खुद गए थे पुलिस स्टेशन, पुलिस वालों ने भी बहुत कोऑपरेट किया, सीनियर साहब ने भी बहुत कोऑपरेट किया, ऑफिसरान जो थे वो भी बहुत कोऑपरेट किए, उनका बहुत धन्यवाद है। नहीं, पुलिस ने कोऑपरेट किया ये अच्छी बात है और करना ही चाहिए, आरोपी को सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में ऐसा भी सुनने में आता है कि जो आरोपी है वो आरोपी किसी बड़ी हस्ती से ताल्लुक रखता है, किसी का लड़का है बड़े आदमी का, ऐसा क्या है उनका? उसका कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नशे लाइन में उसके थोड़ी बहुत वखार है, नशे लाइन में वो एकदम जुड़ा हुआ है, नशे उनके पास लड़के हैं, तमाम लड़के हैं, तमाम लड़कों के साथ लेके हैरेसमेंट करता है नशे में। कल भी वो नशे में ही था और वो नशा करता ही रहता है, उनकी नशे लोग के साथ बैठा के गांजा पीना, ये पीना, फालतू वगैरह वगैरह काम है। हफ्ता वसूल करना है और जो हमारी जो टेम्पू खड़ी रहती है उसमें से टेप भी गायब कर लिया उसने, हम कुछ भी नहीं बोले, मालूम पड़ा। और वो टायर भी कुछ हमारे चोरी किए थे टेम्पू में से, पीछे से जो एक्स्ट्रा टायर आते टेम्पो के वो भी चोरी किया उसने, सिर्फ और सिर्फ वो हैरेसमेंट करना, जो हमारी माल की गाड़ी होती है उस पर भी हमें हैरेसमेंट करता है। उन्होंने हमको कहा कि तू कुछ कर मत, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जा, जो करेगी पुलिस करेगी, तू कुछ भी मत कर। मुझे उसने मारा भी पर मैं कुछ उस पर कुछ रिएक्शन नहीं लिया, मैं सीधा गया पुलिस स्टेशन, पुलिस वालों ने मेरा बहुत सहायता की। KGN फैब्रिक के मालिक इमरान शेख और उनके लड़के ओवेश शेख पर हुए जानलेवा हमले के बारे में हमने जब इनसे बात की तो ओवेश शेख का ये कहना है कि हमारे कारोबार को देखते हुए बहुत सारे लोग हमसे यहाँ जेलिस रखते हैं और ये जो एक नशाखोरों का सिंडिकेट है ये बार बार हैरेसमेंट करने की कोशिश करता है। इस मार्केट के अंदर काफी बड़े पैमाने पर कपड़े का कारोबार होता है और व्यापारियों को तरह तरह की तकलीफ होती है और पुलिस ने बहुत अच्छी तरीके से इनको कोऑपरेट किया है और पुलिस स्टेशन की तरफ से इनको कोई शिकायत नहीं।